नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का आंदोलन काफी अहम रहा। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इनके आंदोलन में शिरकत की और आश्वासन भी दिलाया कि सरकार गठन के बाद इनकी मांगें जरूर पूरी की जाएंगी। सरकार गठन में एक महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों के साथ कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसके साथ ही एक बार अंबिकापुर, वहीं दूसरी बार राजधानी रायपुर में महापंचायत का आयोजन भी किया गया, मगर इन सब के बावजूद अपनी मांगों पर सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं आने के चलते अब महासंघ ध्यान आकर्षण रैली की तैयारी में है। 3 फरवरी को राजधानी में आयोजित इस रैली में प्रदेश भर से अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण स्थिति है, जो जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों ने जो अपनी मेहनत की थी उसके हिसाब से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन हमको लोकसभा चुनाव से पूर्व हमारे लिए मांगों के लिए विचार करेगी, लेकिन अब तक के उदासीन रवैये से निचले स्तर पर जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी ओर से मुझे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है और इस दबाव के चलते उनके तरफ से एक सुझाव भी मुझे आ रहा है कि हम एक दिवसीय ध्यान आकर्षण रैली रायपुर में आयोजित करें। और कल की एक बैठक हमारी जो थी उसमें लगभग सभी की सहमति बनी है कि 3 फरवरी को एक महा रैली किया जाए, ध्यान आकर्षण रैली किया जाए, जिसमें सभी प्रदेश के लगभग 10,000 कर्मचारियों की इकट्ठे होने की संभावना है। हाँ, इस दौरान हम लोगों ने कांग्रेस के प्रतिनिधि और उनके जो पीसीसी कार्यालय के जो प्रमुख हैं उनसे भी संपर्क किया है, तो उनके बताए मुताबिक लगभग हमको 12 तारीख के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समय हमको उपलब्ध होगा और हम चाहते हैं कि वो समय जो उपलब्ध हो तो हम एक कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें वो कोई घोषणा करें। और जिस हिसाब से कांग्रेस के कार्यालय से हमें जानकारी मिली है कि हो सकता है कि 12-15 तारीख के बाद कोई घोषणा उनके द्वारा हमारे लिए हो सके और इसके लिए महासम्मेलन करने की भी तैयारी की जाएगी। ध्यान आकर्षण रैली के बाद अनियमित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी नियमितीकरण की सौगात से रूबरू होते हैं, इसका इंतजार बेसब्री से इन कर्मचारियों को रहेगा। खबरची न्यूज़ के लिए रायपुर से कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।